है दुर्गा पूजा की मची है धूम। बंगाल के बंग भूमि की तरह सज धज कर तैयार है स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही बंग भूमि पर दुर्गोत्सव की तैयारी है। यहाँ ढाकों की धुन विदेशों तक गूंजने लगी है। यही वजह है कि आज विदेशों में भी बड़े उत्साहपूर्ण माहौल में पूजा को लेकर तैयारी चल रही है। लंदन में 60 के दशक के पूर्व में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, जो अब विदेशों की जमीन पर तेजी से प्रचलित होने लगा है, जिसका एक रूप स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में देखने को मिला है, जहां पिछले 6 सालों से बंगाली संस्कृति को दर्शाते हुए दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है। स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ बंगाली आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज सावास की पहल से 2014 में एडिनबर्ग में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। 6ठा साल एडिनबर्ग दुर्गोत्सव का आयोजन पोर्टोबेलो फेल्डी फील्ड कम्युनिटी सेंटर में 3 अक्टूबर से शुभारंभ होगा। इस उत्सव में 700 से अधिक भक्तों में मां के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। साथ ही त्योहार के रंग में खान पान के साथ उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। इस वर्ष यहां का विशेष आकर्षण पूजा मंडप है, जिसमें बंगाल के गांव की तस्वीर को दर्शाया जाएगा। पूजा के आयोजकों का बताना है कि सजावट का मंडप कोलकाता से ही लाया गया था, जो काफी आकर्षक है। बेरोक बारिश के बीच मोतिहारी में शुरू हुआ मां का आह्वान, कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ नवरात्र। नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही मोतिहारी जिले के तमाम मंदिरों में मंत्रोच्चारण एवं पूजा का अनुष्ठान कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया है। 1980 के दशक में स्थापित पारवा सेवा शक्ति पीठ में विशेष विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ सुबह में कलश की स्थापना की गई। मंदिर के संस्थापक शक्ति शरण महाराज उर्फ चंचल बाबा ने कहा कि प्रति वर्ष की भांति माता की आराधना पूजा अनुष्ठान इस वर्ष भी भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। दुर्गा माँ शक्ति स्वरूपा है, इसलिए इनको शेर की सवारी दिखाया जाता है। असुरों की संहारक है दुर्गा। चंचल बाबा ने कहा कि सुबह से ही यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। मंदिर के सभी पुजारी पूजा अनुष्ठान में लगे हुए हैं। दुर्गा माँ के नवो रूपों का 9 कलश स्थापित किया गया है। मंदिर के मुख्य हाल में अलग अलग कई युगल पूजा अनुष्ठान में बैठे थे। ध्यान में कई महिलाएं भी बैठी थी। चंचल बाबा ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि आने वाले सभी आगंतुक भक्त जनों को प्रसाद एवं मंत्र शोधन विधि से तैयार विशेष भस्म भी दिया गया है। निर्बाध बारिश पर अटूट श्रद्धा पर रहा है भारी। बिहार के रक्सौल में जल भरी कलश लेकर पहुंची कन्याएं। स्थापना के साथ ही नवरात्र हुआ शुरू। रविवार को पुरंदर पंचायत स्थित भरबलिया राम जानकी मंदिर परिसर में स्थापित राम जानकी युवा पूजा समिति के द्वारा हो रहे दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान 501 कुमारी कन्याओं ने अपने माथे पर कलश लेकर पारंपरिक रीति रिवाजों एवं गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर पहुंची, जहां पूजा आचार्य के द्वारा पूजा के बाद कलश स्थापना कराया गया। मौके पर मंदिर के महंत वैष्णव गिरी पूर्व मुखिया मोहम्मद नबी हसन, चंदन कुमार, सुरेश कुमार, धीरज कुमार, सचिन कुमार, अनुरोध शाह, विजय शाह, योगेंद्र पटेल, राम बालक शाह, वीरेंद्र शाह, विक्रमा शाह, मंजूर मियां, मदन शाह सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सक्रिय थी। वैशाली जिले के गोरौल में भूमिगत हुए गवासी बाबा, सीने पर कलश रखकर शुरू की मां की आराधना। गोरौल के बेलवर घाट दुर्गा स्थान पर रविवार को नवरात्र शुरू होते ही 66 वर्षीय गवासी बाबा ने अपने सीने पर कलश स्थापित कर माता की आराधना शुरू की। बाबा 3 फीट गहरा और 7 फीट लंबाई, गहरे जमीन के नीचे सिर्फ दोनों बाजू तथा गर्दन और माथा बाहर निकालकर तपस्या में लीन हुए हैं। बेलवर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष गणेश चौधरी एवं कटरमाला पंचायत के मुखिया जानकी देवी एवं शिक्षक संजय कुमार का बताना है कि इस स्थल पर उनके देख रेख के लिए स्वयंसेवकों को लगाया गया है। बाबा यहां आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इंद्र के जल वृष्टि पर भारी पराशक्ति की भक्ति, गुरौल के पूजा पंडालों में शुरू हुआ आराधना। कलश स्थापना एवं मां शैलपुत्री की पूजा आराधना के प्रथम दिन शुरू हुआ गुरौल में भक्ति का माहौल। क्षेत्र के गुरौल चौक, कटरमाला चौक, बेलवर घाट, गोंधो, अंधारी, गाछी,
सोंधो गोला, गोरौल बाजार, कर्पूरी चौक, पिरोई, मोना चौक सहित कई जगहों पर शारदीय नवरात्र को लेकर विभिन्न मंदिरों एवं देवी स्थानों पर भव्य पंडाल बनाया गया है। लोग अपने घरों में भी कलश स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दिए हैं। माँ की आराधना एवं भक्ति गीतों से पूरा इलाका भक्तिमय बनने लगा है। शारदीय नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व आज है। आचार्य पंडित मनोज पाठक का बताना है कि शारदीय नवरात्र आत्मशक्ति अर्जित करने का अवसर देता है। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाथ, आजा माँ शेरों मां।